मजे आते। सनराइज देखने जाना है, सनसेट का टाइम हो जाएगा सोते रहोगे तो। अभी टाइम हो रहा है 5:21 और हम वापस से जा रहे हैं सोनमोड़ा, क्योंकि यहाँ पे सनराइज़ पॉइंट है और सनराइज़ का टाइम अभी दिखा रहा है 5:42। तो टाइम पे तो हैं हम, बाकी पहुँच के देखते हैं आज सनराइज़ देख पाते हैं कि नहीं। वेदर से तो आसार नहीं लग रहे हैं, पूरा क्लाउडी है, तो चल के मैं वहीं मिलता हूँ आपसे। We have reached the same spot again. वो वहाँ पे नदी का ओरिजिन है, सोन नदी का, और ये हम सामने जा रहे हैं सनराइज देखने, तो मैं वहीं पहुँचता हूँ। सनराइज तो हमें देखने नहीं मिला, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा क्लाउडी है तो नहीं होगा पॉसिबल। वहाँ पे हल्का हल्का ऑरेंज शेड दिख रहा है, लेकिन क्या ही पता सनराइज़ यहाँ से देख भी पाएंगे कि नहीं। सनराइज पॉइंट के बाद हम वापस आश्रम आ गए थे और यहाँ के हमारी नींद लग गई। अभी टाइम हो चुका है 10, मैं तैयार हूँ, भैया उधर तैयार बैठे हैं, सूरज का वेट हो रहा है, सूरज ना आ रहा है, नहाता है तो हम फिर नेक्स्ट स्पॉट के लिए निकलते हैं, वहाँ जाके फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। हम आश्रम से निकल चुके हैं आज की हमारी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है कपिल धारा, जिसके बारे में ऐसा सुना है कि वाटरफॉल है और 100 फीट की हाइट से फॉल है वो, तो चल के देखते हैं कैसा है फॉल, आपको भी दिखाते हैं। ये एंट्रेंस है, बैरिकेड है और वो पार्किंग है, वहाँ हमने अपनी गाड़ी लगाई है। ये फॉल को ऊपर से देखने के लिए हमने एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है और यहाँ से ये फॉल गिर रही है, ये इसका मैं व्यू पॉइंट से आपको दिखाता हूँ कैसा फॉल है। नीचे फॉल में जाने के लिए हमको इधर 200 मीटर का ट्रैक है, ये हम ट्रैक करते हैं, नीचे पहुंच के मिलता हूं आपसे। फीलिंग मैटर, इसलिए तो बनवा के रखे। साउथ
सादा खाना उच्च विचार। ब्रंच करके हो गया, हम निकल गए हैं और अमरकंटक की मेजरली हमने जितनी प्लेसेस हो सकती थी कोशिश करी कवर करने की, और अभी 2:15 बज चुके हैं तो हम वापस जबलपुर के लिए निकल चुके हैं। तो होप करता हूँ आप सभी को हमारी ये ट्रिप और ये ब्लॉग पसंद आएंगे। अब पता नहीं, मैं शायद 1 या 2 जितने भी पार्ट में डालूँ ये, तो होप करता हूँ सबको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो हिट लाइक और स्टे सेफ़।